नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। चीन से आए हुए 24 लोगों में से 22 की हो चुकी है पहचान। जांच में अभी कोई संदिग्ध सामने नहीं आया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने चाइना से सिरसा पहुंचे 24 लोगों की भेजी विभाग को सूची। पल पल सिरसा से मरसिंह यानी की विशेष रिपोर्ट। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से चाइना से सिरसा पहुंचे 24 लोगों की सूची स्वास्थ्य विभाग को भेजी है, जिनमें से स्वास्थ्य विभाग ने शीघ्र ही कार्रवाई करते हुए 22 लोगों की पहचान कर ली है। यह सभी लोग 31 दिसंबर के बाद सिरसा पहुंचे। इनमें से 19 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल हैं। फिलहाल पहचान के बाद में उन्हें 14 दिन के लिए घरों में ही आइसोलेशन में रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। सिरसा नागरिक अस्पताल से सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेश भूषण के अनुसार अभी तक कोई भी व्यक्ति संदिग्ध नहीं पाया गया। वहीं डॉक्टर और सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेश भूषण ने बताया कि कोरोना वायरस के बचाव के मामले में स्वास्थ्य विभाग पहले से ही अलर्ट है। उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पताल सिरसा, डबवाली, एलनाबाद और आइसोलेशन वार्ड बनाने के लिए भी दवाएं रखी गई है। अभी सरकारी व निजी अस्पतालों में गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। ओपीडी में आने वाले मरीजों की जांच गंभीरता से करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा चीन से आने वाले ऐसे संदिग्ध लोगों पर नज़र भी रखी जा रही है। जिला में कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीज सामने अगर आता है तो उसका तुरंत प्रभाव से नागरिक अस्पताल में उपचार शुरू हो जाएगा। आप देख रहे हैं पलपल के विशेष रिपोर्ट। हमने यहाँ पे सिरसा के अंदर 3 जगह पे आइसोलेशन वार्ड्स बनाए हैं, एलनाबाद में, डबवली में और सिरसा के अंदर। जहाँ पे जो भी आइसोलेशन के अंदर रखना पड़ेगा किसी मरीज को, सारी तैयारियाँ हमारे यहाँ तीनों सेंटर्स पे पूरी हैं। इसके अलावा हमने आईएमए से बात की थी और उन्होंने भी हमारे को 9 हॉस्पिटल्स चिन्हित कर दिए हैं जहाँ पे अपने वो आइसोलेशन वार्ड्स तैयार करेंगे और साथ में वेंटिलेटर्स भी उनके पास हैं। अगर कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे भी हम जाके अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एक सूची आई है, कितने लोगों की सूची आई है और कितने को टेस्ट कर लिया गया है? हमारे पास कल एयरपोर्ट अथॉरिटी से 26 आदमी की सूची आई थी जिन्होंने अपना सिरसा का एड्रेस दिया हुआ था। उनमें से 24 जो हैं हमने ट्रैक कर लिए हैं और जल्दी ही शायद आधे घंटे घंटे के अंदर बाकी भी 2 ट्रैक हो जाएंगे। सर, अब तो जो ट्रैक किए गए हैं, क्या इनमें किसी तरह की कोई पुष्टि हुई है या कोई सिम्टम्स वगैरह मिले उनमें? अभी तक कोई भी केस जो है उसके अंदर कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोगों को हमने एहतियातन कह दिया है कि आप 14 दिन के लिए आप अपने घर में ही रहिए और किसी से ज़्यादा मिलिए जुलिए मत, ताकि अगर कोई भी तरह का अगर केस है तो आगे स्प्रेड ना हो पाए। ये सारे चाइना से हैं या चाइना के थ्रू जिन्होंने ट्रैवल किया है। 2 एक केस ऐसे हैं जो कनाडा से, चाइना से फिर इंडिया की तरफ आए हैं, तो ये भी 2 केसेस हैं हमारे पास ऐसे। तो क्या सर, इसमें कोई स्टूडेंट्स वगैरह ज़्यादा है या किस? स्टूडेंट्स की गिनती ज़्यादा है जो MBBS करने वगैरह वहाँ पे गए हुए थे, और उनको सभी को हमने ट्रैक कर लिया है। कोई सैंपल नहीं लिया जाएगा, जो प्रोटोकॉल है उसके अंदर अगर किसी को बीमारी होती है, अगर लक्षण किसी बीमारी के आते हैं तभी उसके अंदर सैंपल लिया जाएगा, अदरवाइज उनको घर में ही आइसोलेट करना है। हमने 2-3 चीज़ें और की हैं। एक तो हमने जो टॉल प्लाजा है जो हिसार की तरफ से हमारे पास आता है, बहाउद्दीन टॉल प्लाजा, वहाँ पे हमने जाके उनको सभी जो कर्मी हैं उनको हमने कह दिया है कि आपने कैसे कैसे एजुकेट करना है, और चाइना से कोई भी आया तो उनको एक फॉर्म दे दिया गया है, वो फॉर्म भी भरवा के हमें देंगे। सेकेंड, कल हमने रेलवे अथॉरिटीज़ के ऊपर वहाँ पर जाके हमने जागरूकता किए है। जो टैक्सी स्टैंड वाले हैं वहाँ पर भी कहा है कि अगर आप कोई भी यात्री लेके आते हैं जो चाइना से आ रहा है तो आप उनको जागरूक करेंगे और हमारे को बताएंगे कि कहाँ से आप इसको लेके आने जाते हो, कहाँ पे जा रहा है वो। जो भी हमारे जितने भी फील्ड लेवल वर्कर्स हैं, चाहे वो ANMs हैं, MPHW मेल्स हैं, सभी डॉक्टर्स जो हैं हमारे, इस चीज़ के लिए उनको जागरूक कर दिया गया है, उनको अच्छी तरह से एजुकेट किया गया है। कोई भी अगर हमारा केस आएगा तो पहले तो सेल्फ डिक्लेरेशन उन्हीं ने भरे हमें देना है। हम नहीं चाहते कि किसी के घर में जाके हमारी टीम्स जाएँ और एक फालतू का हड़कंप कहीं पे मच जाए। और जागरूक हम पोस्टर्स भी हमने लगाए हैं और हम पैम्फलेट्स भी दे रहे हैं जिसके अंदर ये कह रहे हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, कृपया सावधान रहिए, अगर कोई सिम्टम आता है तो हम आपके लिए हर जगह यहाँ पे, हमारे पास सारा आइसोलेशन फैसिलिटीज़ हैं, सारी हमारे पास ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हैं। कल हमने ट्रैवल एजेंसीज को भी हमने कहा है कि अगर आपके पास कोई ऐसे हैं जो इनके जिन्होंने टिकट बुक आपसे करवाई थी और आपके पास कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन है वो भी हमारे साथ शेयर करेंगे।